तस्वीरें सीएम सिटी करनाल की देख सकते हैं, जहां पर सीएम सिटी करनाल में जिला सचिवालय का घेराव कर चुके हैं सर्व कर्मचारी संघ के तमाम प्रदर्शनकारी, और किस तरह से जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें, सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे अपनी मांगों को लेकर किस तरह से प्रदर्शनकारी जिला सचिवालय करनाल में अलग ही तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से करनाल के जिला सचिवालय में बड़ी संख्या में किस तरह से प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे और किस तरह से प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। हमारी अपील आप सभी से है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग ही अंदाज में इनका प्रदर्शन ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो ये आप लाइव तस्वीरें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के नीचे आशा वर्कर्स जो है वो सभी यहाँ पर जिला सचिवालय पर जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लाइव तस्वीरों में हमने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए सभी नजर आए, किस तरीके से अपनी डिमांड्स को लेकर ये लोग यहाँ पर आज जिला सचिवालय के अंदर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनके मांगे हैं, क्यों ये लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं, उसके बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से अपील करना चाहेंगे, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सरकार ये वीडियो ये मैसेज इनकी डिमांड जो है वो पहुंच सके और सरकार द्वारा कुछ ना कुछ इन्हें आश्वासन जो है वो जरूर दिया जाए। इस समय आप लाइव तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय से देख रहे हैं, आशा वर्कर्स जो है वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई उसकी लाइव तस्वीरें आपने अभी देखी, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों ये लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस तहबंद जो है वो भी मौके पर मौजूद हैं ताकि इन्हें जो है कंट्रोल किया जा सके। सर कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के नीचे जो है ये सभी यहाँ पर आज पहुंचे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, एक बार उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या आपकी मांगे हैं, क्यों आज आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं? सर्व कर्मचारी संघ के जिला के प्रधान साथी मलकीत सिंह, राज्य कमेटी के मेरे सहयोगी साथी नरेश कुमार शास्त्री, साथी कृष्ण चंद शर्मा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साथी इंद्रजीत चिनालिया, पूर्व प्रधान साथी ओम प्रकाश सिमार, बिजली के हमारे सीनियर लीडर एनपी सिंह चौहान, संघ के और विभागीय यूनियनों के तमाम नेतागण साथियों, आज कल ये तो काम खराब हो गया। उन्होंने कहा कि भाई मीटिंग यहां नहीं है, बात करो तो इन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन उनकी जो सीमाएं थी वहां तक ही प्रयास कर सकते थे। इसके 5 लाख कर्मचारियों का अपमान है, इतने भी भारत प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने खूब प्रयास किया कि ये टकराव ना हो, निमट जाए मामला। ज्यादा में 14 मई जब तिलक विलक लगा करके सबको तो पूरा कर दो, उसके बारे में क्या बोलते हैं? उसके बारे में लोकसभा में पारित है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के पास कर रखा, ड्रामे करते हैं, वो नहीं करेगा विधानसभा। अगला कार्यक्रम हमने आपको दे दिया, आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है और हम राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके हम निश्चित बाहर गेट में जरूर भरे होती।
ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, परसों यहाँ एक आक्रोश रैली का आयोजन किया था और उस आक्रोश रैली के मार्फत से हमारे डीसी साहब के मार्फत में बातचीत करने के बाद में हमारी चिट्ठी दी थी कि कल हमारी बातचीत प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम के साथ होगी, लेकिन कल जैसे हम गए तो उनके कार्यालय से पता पड़ा कि आपकी कोई मीटिंग का समय निश्चित नहीं है। तो उसके बाद हमारे को कहा गया कि हरियाणा निवास में बैठक होगी, तो वहाँ हम 1 घंटा के करीब इंतजार किया लेकिन कोई मीटिंग नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमें बैठा छोड़ करके चले गए। तो ये जो अपमान हमारा किया है प्रदेश के कर्मचारियों का, एक भद्दा जो मजाक किया है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट किए गए हैं। उसी सिलसिले में करनाल में भी आज बड़ी भारी संख्या में कर्मचारियों ने यहाँ अपना वो अपमान जो कल हुआ है, शर्मनाक जो घटना घटी है, उसको लेकर के आक्रोश का प्रदर्शन किया है और जिला प्रशासन करनाल ने जो चिट्ठी जारी की थी उसकी प्रतियों को फूका जा रहा है। चुनाव नजदीक है, क्या कुछ रहेगा? चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो, लेकिन निश्चित तौर से हम कहते हैं कि वो जो 75 पार की जो बात कर रहे हैं, वो 75 पार का नारा सरकार का तब साकार हो सकता है जब इन कर्मचारियों का, मजदूरों का, स्कीम वर्करों के जो मसले हैं उनका समाधान करें। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर से सरकार को दिक्कत आएगी। कितने लंबे समय से आपका संघर्ष? ये तस्वीरें सीएम सिटी करनाल की, जहां पर किस तरह से अलग ही तरीके से कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो इनको प्रतियां दी गई थी उनकी प्रतियां जलाकर किस तरह से जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी अपील आप सभी से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। अध्यक्ष